कहो। आपने हमें ये वसीयत दे तो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा जैसे आपको पिताश्री कहते थे, वैसे हमेशा की तरह हम हमेशा पिताश्री कहेंगे। ठीक है भानु, ये तो लोगों की, आपने बताया है तो हमारा सिर्फ परिवार जानता है कि हमारे तुम कौन हो, लेकिन इस राज के दूसरा लोग कोई ना जाने। क्यों रानु? सच कहा भैया, ये राज राजेश मिस्त्री बोरिंग वाले, आपकी तरफ से 10 रुपए पुरस्कार पार्टी स्वागत करती है। और सुनिए बेटी, आज मुझे लंदन जाना है। लंदन? हाँ, मैं इसलिए परिवार को बुलाया था और ये बात बताना था। बेटे तुम अपने दिल में ये ख्याल मत लाओ। पिताजी, आप कह रहे हैं ये मेरे सगे देवर नहीं है, भला मैं कहाँ इन्हें पराया मानती हूँ। जैसे मेरे रानू देवर वैसे मेरे मदन देवर। ये तो बहू रानी, ये तुम्हारी महानता है। जीते रहो, घर में लक्ष्मी आए तो वैसे। अरे हम तो ये मान लिए, जिस वक्त तुमने आई थी हमने ये सोचा कि हमारे घर में कोई लक्ष्मी आ गई। ये तो तुम्हारी महानता है बेटी। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये है संभालना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, आप लंदन जाइए, लेकिन आप जल्द वापस आने की कोशिश करना। बहुत जल्दी आऊंगा बहू रानी। परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए, ठीक है? खूब खुशहाल रहो, जीते रहो, ठीक रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती हो। मदन भैया चलो, कॉलेज जाने का समय हो रहा है। ए पगले, तेरे चेहरे की रंगत तुरंत उतर गई, क्या सोचता है तू कि पिताश्री ने ऐसा कह दिया हमने उसे सच मान लिया? नहीं भैया, अरे तो हमारा भाई है और भाई ही रहेगा। ये राज यही हम दफन कर देंगे, ये रियासत हमेशा देखेगी कि हम तीनों भाई हैं। और अब तो तू हमसे हमारी नजर में भाई से भी बढ़कर है। ऐसी कोई बात नहीं भैया, स्कूल जाने का समय हो रहा है, चलिए स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाभी आप भी चलिए। हम वाह पिताजी वाह, तुमने राज खोल कर अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो पहले ही रानू और भानु को दोनों को मार देना चाहिए। यहां का राज मैं करता और का राज सेवक। अरे आप लोग, मेरे दिल में आग लगी हुई है। यहाँ ज्वाला उठ रहा थी, आप लोग सारी जिंदगी गुलामी करें, टट्टी भगाई, अब टट्टी भगाओ तुम्हें छोड़े जा। और मुझे नसीहत क्या दे रहे मेरे पिता श्री, किनकर नौकर बन के रहना, राज सेवक ये नाम को मुमकिन है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। यह राज का मालिक मैं बन के रहूंगा और दुनिया वालों मदन सिंह की चाल देखना। और आ गए मालिक साहब, 10 रुपए का पुरस्कार दे रहा, और इनका कहना है जो भी व्यक्ति व्यवहार लिखाना चाहे ये मंदिर के पास आकर के व्यवहार लिखा दे, 10 रुपए का पुरस्कार दे। हमारी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया राज सेवक। हाँ भैया, तुम्हें काम करो। कैसा? हमने जो
रामलोचन समरिया की उपन्यास मंगवाए थे। और आ गए राजेश, राजेश राजेश बोरिंग वाले 10 रुपए का पुरस्कार दे, टेनी निवासी है। जिस सज्जन को बोरिंग करवाना है इनसे संपर्क करें। ज्यादा लंबा लंबा नहीं, मेन मेन पॉइंट बोलो, काम खत्म करो, नाम ले ओ, गांव ले ओ। अब बोरिंग करवाऊं मैं, खेतहा खोदवाऊं मैं तो खोदवाऊं फरा के। रात भर बोरिंग हो ही पता नहीं कितना बोरिंग करवा डाल रहे। राज सेवक जी, ये सारी बातें छोड़ो। हाँ, तुम सबसे पहले रामलोचन समरिया की हमारी जो उपन्यास हमने मंगवाया है, अच्छा अच्छा, उसे लेकर आओ। अच्छा ठीक। और अगर दलजीत डीजे ये 20 रुपए राजा साहब को लंदन जाने के लिए दे रहे हैं, हमारी पार्टी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। भैया यही है रामलोचन समरिया की गाभिन। हाँ भाई तो मंगवाए कहा गाभिन लाओ। पागल है तू। ये रामलोचन समरिया की उपन्यास है, किताब। हाँ मैं बीच में कुछ घोषा यही से मैं कहूंगा अभी नहीं कहा। अबे पागल है तू, हमने हाँ इसको पन्ना इसलिए मोड़ दिया है। हाँ हाँ, कि हमने यहाँ तक पढ़ा था ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो। आगे या मतबल आए हम सोचा का सत राज सेवक। हाँ, मतबल नहीं। हाँ, मतलब बोलो। ससु हम निरा पढ़े हम का, लेकिन हाँ ऐसा करना। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, इसे पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, और शोरगुल नहीं करना। नहीं भाई जा, क्यों? और मेरी बात सुनो, बगैर हमारे इजाजत के कोई अंदर आने ना भी पाए। ओके, एक भी बाहरी आदमी घुसा ही ना पाई। ठीक है, याद रखना इतना। हमें जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना। नहीं हाँ, कौन जरूर से डिस्टर्ब करेगा। हाँ इन इनता के राजा तो हम क्या कह सकते। और उड़ते बादल से पूछो, बहती नदियों से पूछो, इन बहारों से पूछो, इन नजारों से पूछो, इनको पता है नमस्ते। नमस्ते नहीं, नमस्ते किया जाता है। हाँ बताओ।
ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? क्या नहीं करें, हम ड्यूटी कर रहा हूँ। ड्यूटी कर रहे हो? हाँ। अच्छा ये बताओ, हाँ, हमारे पति देव कहाँ है? पति देव और क्या? ओए अपने आदमी का तुम नहीं जानती हो? अरे जानती हूँ, मतलब कहाँ पर है इस समय? अपने कमरे में है। कमरे में? हाँ। कमरे में क्या कर रहे हैं? वही का हाल चाहते हैं, कुछ पढ़ा थे मैं। पढ़ रहे हैं यानी किताब पढ़ रहे हैं? हाँ कुछ ना बताए ना भूल बाल गवा। अच्छा आज भी किताब पढ़ रहे हैं? कहे आज ना पढ़े चाहिए का? क्या बताऊं राज सेवक, जब से मैं इस घर में आई हूँ, हमारे पति है ना, सिर्फ किताब पढ़ते रहते हैं। अच्छा उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। हेलो आप हैं दलजीत कुमार डीजे, इनका गांव है खतवा निवासी, ये 20 रुपए दे रहे हैं यश के दादाजी, 20 रुपए दे रहे हैं, पार्टी स्वागत करती है। राज सेवक उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं? अगर अब आपके पास कमी क्या है? राज दरबार है, खाने की कमी नहीं, पहनने की कमी नहीं, न गहने की पता, सब चीज टलन टन है, तो काउंट कमी है यार। और कुछ कमी नहीं है? का कमी हमें तो तुम पूरा टलन टन दिखाई दे। अरे ये बताओ, हाँ? सारा दिन किताब पढ़ते रहते हैं, हाँ? क्या 10 मिनट मेरे लिए टाइम नहीं निकाल सकती है? रतिया भर कहाँ रहा थी? अब मुझे क्या मालूम, रात में आते कह रहे हैं मैं थक गया हूँ, सो जाते हैं। फिर हो सका तो कोनो मामला हो, अब हम भीतर एक बात का जानी। अच्छा सुनो, हाँ मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिले तो इस मना करेंगे? मना करेंगे कहा, कोई आने ना पाए, लेकिन आपके लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा या कहें ना कोई आने ना पाए? कोई आने ना पाए? बाहरी आदमी, यानी कि मैं जा सकती हूँ? तुम तो घर ही हो, बाहरी आदमी की बात। ठीक है मैं चलती हूँ, यहीं पे ड्यूटी है ना? ठीक है हराम खोर। मैंने कहा था ना कि कोई बदतमीजी नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना मुझे पढ़ने में। का भाई भाईजा, बार बार मेरे आंखें क्यों बंद करता है तू? जब मैं पढ़ाई में ध्यान देता हूँ, पढ़ने में मग्न हो जाता हूँ, तो मेरी आंखें बंद कर लेता है। अरे भाईजा ये बीमारी आए का तो इलाज करवाओ। पागल तो नहीं हो गया है? ज्यादा कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादा किताब में दिमाग लगाओ तो अपने आप आंख ही बंद हो जाती है। हम पाचे गलती से पेपर ऊपर देखी थी तो खुदा ही आंख ही बंद हो जाती। अतः हम आखी हम तो ही खड़े हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अरे हम गुब्बारा लब गुब्बारा नहीं, हाँ दोबारा वही भैया हम हुआ नहीं गए रहा। बताओ खाए गोपी कूटे जाए जयपाल, तेरी नौकरी की माँ का हिंदुस्तान मारो। बार बार मुझे परेशान कर रहा है। अरे भाई जब फिर वही बात, मैं तो उधर गब्बा ही नहीं भाई हूँ। फिर ये क्या हो रहा है ऐसा? मैं पहले बताऊ कौनो बीमारी है तुम्हारे भाई? बीमारी कौनो वजह पंडक दिखाओ दरका और का तो नहीं दा बताए। लेकिन राज सेवक, हाँ। कभी हमें ऐसा हुआ नहीं। अच्छा सुनो हम हूँ नहीं यार, पहले पहले तुम ये रोग बताओ तो। लेकिन ये बता तू, हाँ भाई कोई हमारे कमरे में गया तो नहीं? हमारे समझ में तो कोनो नहीं आवा, क्योंकि ड्यूटी तेरी थी। हाँ कोनो एक भी बाहरी आदमी ही घुसा ही नहीं। अच्छा कोई नहीं गया बाहर का, कोई आदमी नहीं आवा। जिसका मतलब ये पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें बंद हो जाती हैं कि कुछ हमें अजीब से लग रहा है सपना?
ऐसा कत भैया ऐसा करो यार इलाज है कैसे करो सवेरे जाग के ओस मटहल करो और देसी घी पिसान खा करो तो माइंड सही रहे। अच्छा हाँ अम्मा हमरे बतावत रही को जाने तू है बार बार मुझे परेशान और तेरे वजह से राजसेवक मार खाता है। काजल किरण स्वामी तुम लोग समझाया तुझको मैं काजल किरण जब मैं पढ़ता रहूं ना सताया करो तेरी आदत मुझे जब मैं पढ़ता रहूं ना सताया करो तेरी आदत मुझे कुछ आती नहीं जब से लाए हो मुझको और बना कर दुल्हन मैं तड़पती रही प्यार पाती नहीं काजल किरण मैंने क्रोध में आकर तो तुझे मार दिया है लेकिन कुछ मेरी मजबूरियां हैं। मेरी बात सुन तू प्यार के लिए तड़प रही है ना और क्या तुम मर्दाना कमजोरी का है मुझ पे असर लखनऊ से दवाई काजल किरण तुझ पर मुझे दया आती है लेकिन तेरी हरकत देखकर मुझे क्रोध आता है। मेरी बात सुन तू प्यार के लिए
तड़पती है और क्या, एक बच्चे के लिए तड़प रही है। ये बताओ आज तक इतने देर हो गए मेरे शादी के, आप मेरे लिए 10 मिनट नहीं निकालते हो? अरे कभी मेरे बारे में भी सोचे हो? मोर कहे के मतलब आखिर आपकी औरत है, मेहरिया है, दुल्हन यही, इन्हों के बारे में सोचे चाहिए? अब तुम तो एकदम माल के चलो, अब क्या बताएं? देख है खाती मुँह तक पानी कहो लायक हो। राज सेवक देखो, आज 2 साल से इस घर में आई हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे साथ की सहेली, हाँ, किसी के 2 लड़के, हाँ हाँ, किसी के 1 लड़के, अच्छा, हमरा कुछ जनात है। तुम्हें न जलाई, जब इनका नहीं जला तो तुम्हें कहाँ जलाए? बताओ, आज तक हम एक लड़का के तड़पी थी, लेकिन इनका किताब दाई दे, कुर्सी दाई दे, हाँ हाँ, वही में घुसे रहा, वही में घुसे रहा, इतना ही कार्य है, यही चक्कर में तो वही तक यही तार आई हो, तुम जाओ घर का तो दूसरी जगह टराई मारो। देख काजल किरण, तुझे सिर्फ प्यार की चाह है, सिर्फ एक संतान की चाह है, एक संतान की चाह है, तो मेरी बात ध्यान से तो सुन। क्या बात है? तू 6 महीने सबर कर और मेरी जान मन, और ठीक हो जाऊं तो चाहे तुझको एक संतान की, और घर में दर्जनों लाइन लगा सके दर्जनों क्या तुम घर लगवा। 2 साल हो गए, 1 लाल तो दिया नहीं, दर्जनों क्या घंटा लाइन लगवा दोगे? काजल किरण पहले 2800 तो लगा लगाओ, बोहली तो कर रहा हूं। राज सेवक काजल किरण, मेरी बात सुनो। क्या बात है? मेरा मेरे गाड़ी का समय हो रहा है, मैं आज कुछ नहीं जानती। देखिए मुझे लखनऊ पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना मेरी दवा छूट जाएगी। और हाँ, मैं जब लखनऊ से वापस आऊंगा ना, तुम्हारे लिए एक हार लेकर जरूर आऊंगा। हार? हाँ हाँ, वही का चाट ले हार का। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अपना ख्याल रखना। पहले सुनो, आज तुमको जाने नहीं दूंगी। क्या? हाँ। क्या पागल जैसी बात कर रही हो? आज आज मैं तुम्हारे ऊपर बिजली गिराऊंगी। मलकिन के बातों में तू भी आ रहा है, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, समय से अगर मैं लखनऊ नहीं पहुंचा तो मेरी दवा भी छूट जाएगी, पगल कहीं का। नहीं जाऊं गाड़ी, तो समझाता क्यों नहीं है? का बात ही कहे नहीं जा देती है। नहीं जाने दूंगी। अच्छा ये बताओ। क्या बताऊं? हमने ज्यादा इमरजेंसी काम है का? आज
वो तुमसे बताने लायक नहीं है बात। नहीं देखो भैया ही हमार। अच्छा बचपन से हमरे संग है हगिन मोतिन पैदा भी जवान भी। हाँ तो मतलब इनकी कई सिम्मा कुछ करे लाए हो तो मौका बता। तुम करोगे मेरे साथ में कुछ तुम करोगे मेरे साथ। आओ ना स्वामी सुनो मेरी बात। और मेरी चढ़ती जवानी वादा न तो बड़ी दया लागत ही मैं डराते हो कतो मशीन न कुछ गड़बड़ी आ जाए यहीं पे तू मर। मेरे गाड़ी का समय हो रहा है और मैं जा रहा हूं। हाँ लेकिन इतना कह रहा हूं कि अपना ख्याल रखना। राज सेवक देखा देखता ही आए। अब बताओ मैं किसके साथ जाऊं? अरे तुम्हारा इसने दिमाग कहा बताई लाला। हाँ अब हमसे बर्दाश्त नहीं होत। बर्दाश्त नहीं होत बिना खुआदा कुआं में कूद पा रहा हूं। हाँ ये तो जुगाड़ मेरे पास है। कौन सी जुगाड़? का तो तुम मोही का प्याला हो ना। अच्छा बताओ नहीं मारोगी? ये लो ये रख। तुम ये नहीं सोचती आई हो? क्या सोचूं जब ये कौनो काम के नहीं है तुम्हारे। कोई काम के नहीं है। आज 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। एक को बिसुआ जो होती न क्या मतलब दूसर कौन हो तो बीघा खाड़ जोत डालत कम से कम नहीं आ तो बस आर सरसों हो तो लाही तो हो जात। समझ रही हूँ तुम्हारी बातों। हाँ यार तुम घबराती हो आए इससे अच्छा तुम्हारे दो दो हाथी हद देवर है। क्या दो दो देवर है? देवर मेरे रानो मदन की बात तो नहीं कर रहे हो? और क्या बात करते हो आपन उन्हें कौन में जुगाड़ लगाओ साहित्य लगिन जाए। लेकिन
वो तो मुझे लगता है वो उनसे काम नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मना ही कौनो काम के रहे। हाँ, मुझे दूसरे जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ, लगता के साफाई ना डासाई करना कुछ। सही बात है। हाँ, कौनो जुगाड़ लगाओ। सुनो मेरी बात। क्या बताऊं? बताइए। अरे आग लगे सोने चांदी को और ये सारा सिंह आग लगे सोने चांदी को और ये सारा सिंगार और जिसके घर में प्यार नहीं है वो घर है अभी तक तो मैं सोच रही थी इस घर को अच्छे से चलाऊंगी लेकिन क्या करूं मन खराब हो गया जब मेरी जरूरतें नहीं पूरी होती। सही बात है यार जेकर जरूरत ना पूरी हो क्या करी क्या करेंगे बहुत से गोरू घर में चारा नहीं पाओ तो चल कुछ छुटाने दूसरे की चराई में मुंह भर देते जानते तो हो। सुनो अगर मेरे लिए कौन वाला देवर परफेक्ट रहेगा। अब ये तो तगड़ा मगड़ा है ने बीचो वाला वो एक पकड़ ले। अच्छा रानू। हाँ मजबूत है और मजबूत नहीं मजबूत है। हाँ। और हैंडसम भी बहुत है। हाँ, 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 हाँ। सुनो उनसे मेरी सेटिंग करा दोगे। अब मैं तो ना कराई हूँ ये काम तुम्हारा है मेरा। हाँ अच्छा मैं बुलवा सकते हो बुलवा सकते हो ना। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ उन्हें बुला दो। ठीक हाँ बुलाओ उन्हें।